ठीक है। भाभी माँ नमस्ते। अरे भाभी माँ तू जान रहो का भैया आवत हो यहाँ ड्यूटी से। भैया बैठा अब भौजी तू बैठा जाना भैया हमका बहुत यार दावत है भैया। अच्छा जो आपका भाई नहीं है सूरज भैया और चंदन मुन्ना के बहुत याद आ रहे भैया आप बैठे भैया। सबसे पहले चलकर मेरे भैया और भाभी का बड़ा छूट है ठीक है आशीर्वाद देना है ठीक है। छोटे देवर का क्या तो देख ली कि तुम्हारा पैर किस और इसमें है लेकिन मैं ये के पास जाने से डर रहा हूँ शहर पहुंचा इस लड़की से मुझसे मुलाकात हो गई और मैंने उसके साथ अपनी शादी कर ली चंपा भैया के पास जाने से मुझे डर लग रहा है तुम जाकर भैया से बताओ ठीक बहुत प्यार से मुझे बता रही हो कि एक लड़की के साथ उसने शादी कर लिया तुम्हें पसंद है पसंद देखने में ठीक है लेकिन उस लड़की का नाम चंपा है। हाँ भैया हम तुम कभी कभार जब ड्यूटी जाते थे भैया तो जो लिखा था आगरा में चंपा नाम की जवाब की यही है क्या भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है वही लड़की तो नहीं है भैया लाल चंपा उसका बता रही हो जी हाँ लाल से मुझे खतरा लग रहा है कहीं वही चंपा तो नहीं है लेकिन उसी क्या
जो भी हो आप मालूम करते हैं जो भी हो घर में आइए बहू बनकर बहू समान है बहू बनकर है अगर वो आई है इस घर में तो उसे बहुत दर्जा दीजिए भैया भैया भी आपका छोटा मुन्ना चंदन मुन्ना भी फोन किया था मेरे पास कि भैया ने कहा जाते भैया भाभी इसका देना कि मैं आ रहा हूँ घर देखो यही हमारा घर है तो घर में बड़े भैया है बड़ी भाभी माँ है महिले भैया हैं चलो सबसे पहले बड़े भैया से आशीर्वाद लेते हैं भाभी माँ से आशीर्वाद लेते हैं उसके बाद जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे तुम्हें भी करना पड़ेगा ठीक है स्वामी और इस घर में मेरे घर में एक नौकर है नौकर नहीं बल्कि उसे मेरे बड़े भैया अपना सबसे छोटा भाई मानते हैं इसका नाम नेता है सबसे पहले नेता से मुलाकात करेंगे अरे नेता हाँ हो भैया तो वकालत पास कर लिया हूँ अब यार चल रहा हूँ भैया का आशीर्वाद लेने के लिए यानी तो वकालत पास के लिए भैया ये बताओ भैया रिजल्ट बा तुम्हारे आगे पीछे पीछे कहा है का भैया पागल हो गया क्या बे रिजल्ट है रिजल्ट इतना बड़ा होता है ओ बहन की समझे ए भैया बहुत कुछ की बात अरे नया खपड़ा लावा छावा कौनो बात नहीं बा हम कहे तो आज शादी होई हमारे टोटका भैया के हमहू बलाहा बनाब हमहू मार मूर्ति बैठब मारुति कहते हैं हाँ भैया हमहू सोचले मारुति बैठब हमहू उसर मुसर घुमाओ बिदाई बिदाई पाओ मारे सारे दुन्ना भाई लीप के देहा पूरी करवा लिया पूरी करवा लिया या तो चुप्पो भैया चुप्पे हमें बैठ जा भैया चला मान लो कौनो बात ना है बस सोचा थे भैया भाऊजी को मुहना देख ले का देख ले ये छोटकी भाऊजी ही है यार आते भाऊजी तनी का अपन मुहना दिखाई दे हमका अब इसमें पूछने वाली बात आप पूरी देख ले करे तोर मुँह कहाँ बा हमारे मुँह हाँ हमारे मुँह तोरे भौजी के मुँह कहाँ बा अब हम काका पता भौजी मुँह नीचे है कि ऊपर अब तो चुप पे बैठ जा तोरे बस के मुँह देखे देखे नहीं बड़े भैया के शहर में छोटे भाई चंदन का काम से के चरणों में पूजा बहू का प्रणाम स्वीकार हो
के छोड़ो चंदर पैसा बच गया में। अब भैया सोचा कहीं हम पढ़ाई कर रहा था, ऐसे पढ़ाई होती है। जितना तुम्हें समझाया सब चीजें कराई पर पानी फेंक दिया। भैया आपके मान सम्मान पर कभी ठेस ये चंदन नहीं आने देगा। चंदन इस घर के लिए अपनी गर्दन कटा देगा, लेकिन शर्म से कभी आपकी गर्दन झुकने नहीं देगा। भैया कि मैं एक अच्छी सी लड़की देखूंगा, तेरी शादी करूंगा, धूमधाम से बारात जाऊंगा। ठीक है, तुम लोगों ने अपनी मनपसंद शादी कर लिया, इसपे मैं शादी तो एक ना एक दिन करना था। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम लोगों ने अपनी शादी कर लिया, लेकिन पड़ेगा। अब तुम्हारे पास एक नहीं दो दो बहुएं आ गई, और तुम्हें बना बनाना खाना मिलेगा, और तुम बैठ करके आराम से, और मुझे बहुत जरूरी काम मेरा पड़ गया, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ और शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, स्वर्ग से सुंदर भौजी खाती गरम गरम मीट लिया बटे। अरे अरे गरम गरम मसाला तू हां भौजी किया है दया ये हमरे पे लाए खटिए बेटा लाए अरे हां देख ले भौजी भौजी देख ले रेखा पे बहुत छछुंदर दिखा देगा। देखिए मैं अपनी सर पे पल्लू डाली थी ना, मेरे बहुत मन घबरा रहा था, पल्लू डाल के कभी नहीं चलूंगा, चलूंगी तुम्हारे
भैया हो चाहे तुम्हारे भाभी हो चाहे कुछ भी हो हमसे कोई मतलब नहीं। मैं जैसे चलती भैया भैया सामने रखा उठा दे हमारे घर के बड़े भैया काम नहीं होगा। अगर आपको रखना है तो ठीक है नहीं तो रखना मैं आगे मैं ऐसे दूंगी मैं किसी को खाना नहीं बना खिलाऊंगी। खाना मुझे बना के वो लोग खिलाएंगे तो ठीक है। तुम्हें क्या जरूरत है खाना बनाने की? अरे छोटी लोग है वो खाना बनाएगी घर में भाभी में वो खाना बनाएगी आराम करेंगे ठीक है। चलो सबसे पहले चलिए इसलिए प्यार की हूँ कि तेरी धन दौलत सिर्फ मेरे नाम हो जाए। मगर तू मुझे अच्छा नहीं लगता है कुत्ता। मगर तेरा भाई छोटा जो है वो मेरे दिल को लुटा गया है और मैं यही सोचती हूँ कि मैं सबसे पहले तेरे भाई के पास जाऊंगी। मैं उससे कुछ मीठी मीठी बात करूंगी अपना शिकार बनाऊंगी। अगर बात को मानेगा तो ठीक है नहीं वरना जमानी कसम बर्बाद।